हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं साइंस। व्हाट इज साइंस एंड फीचर ऑफ साइंस। तो ये एफसी के टॉपिक में तुम लोग आएगा, राइट। द वर्ड साइंस फ्रॉम डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड से उठा है ओल्ड इंग्लिश साइंटिया, विच मीन्स नॉलेज। तो साइंस का मतलब क्या होता है, बेसिकली नॉलेज होता है। और साइंस इट इज सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, मतलब जिसमें बहुत सारा नॉलेज, स्टडी, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन होता है, विच इज़ डेवलप थ्रू रीजनिंग। मतलब साइंस एक हमको रीजन बताता है, क्यों ऑब्जर्व करके, एक्सपेरिमेंट करके, ऐसे अंधविश्वास, सुपरस्टिशन, आग बन करके भरोसा नहीं, साइंस प्रैक्टिकली डिफाइन करता है, राइट। तो डिक्शनरी साइंस क्या है, एक ऑर्गेनाइज नॉलेज है, स्पेशली वेन ऑप्टेन। कहाँ से साइंस का नॉलेज आता है, फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, मतलब देख के और टेस्ट करके, अबाउट दी फैक्ट, फैक्ट को रिसर्च करते कि वो सही है कि गलत है। तो इससे हमारा सोसाइटी, लिविंग वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड, उसमें काम आता है। और साइंस के थ्रू, साइंस का नॉलेज के थ्रू टेक्नोलॉजी काम बन रही है, राइट। जो टेक्नोलॉजी किसका इस्तेमाल हो रही है, साइंस का। तो अपने को फीचर्स पढ़ना है, व्हाट इज साइंस। तो साइंस का फीचर्स एकदम अलग अलग पॉइंट करके दिए, एकदम अच्छे से स्टार्ट करते हैं, क्या। तो साइंस इज ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है मालूम है क्या, साइंस डिपेंड्स अपॉन ऑब्जेक्टिव मेथड एंड प्रोड्यूस ऑब्जेक्टिव रिजल्ट। मतलब उसका कुछ मेथड होता है और उसका रिजल्ट होता है, उस पर स्टडी करता है। ऑब्जेक्टिव मीन्स समथिंग दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन पर्सनल बिलीफ, मतलब वो किसी के पर्सनल बिलीफ के ऊपर नहीं होता है कि मुझे लग रहा है, मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे महसूस हो रहा है, वो तेरे महसूस होने से नहीं होगा। जो सामने रिजल्ट दिख के आता है ना, साइंस उस पर बिलीव करता है। साइंस रिजल्ट आर ऑब्जेक्टिव, डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन नॉलेज के हिसाब से, राइट। तो साइंस अलग विद आर्ट, रिलीजन और फिलोसफी हैज बीन कॉल्ड अ फोर मेजर अचीवमेंट। तो पूरी दुनिया में आर्ट, रिलीजन, फिलोसफी, नॉलेज, साइंस ने भी बहुत अचीवमेंट किया है। और साइंस एक ऑब्जेक्टिव मेथड है जो किसी पर्सनल के ऊपर नहीं होता है, रियलिस्टिक के ऊपर होता है, ओके। और साइंस क्या किया, पूरा प्रोग्रेसिव है, मतलब जो 200 साल से साइंस ने रिसर्च किया है वो धीरे 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 आगे ही बढ़ते गए, वो पीछे कभी गया ही नहीं, राइट। साइंटिफिक नॉलेज व्हेन करेक्टेड लीड्स टू न्यू कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट आता है, फिर इससे कुछ आगे चीज़ बनती है। एज मोर फैक्ट आर टेस्टेड, जितना नॉलेज को टेस्ट किया जाएगा उतना प्रूफ होएगा और उतना साइंस आगे बढ़ता है। तो जैसे भी हम लोगों ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया, राइट, स्पेस में से बहुत सारी कंट्री ने, लाइक रशिया, अमेरिका, उन लोगों ने भी स्पेस में भेजा है, तो क्योंकि वहाँ की स्टडी करने चाहिए। तो साइंस का एक प्रोग्रेसिव है नेचर ऑफ साइंस, अलाउड टू डिस्कार्ड सर्टन थियरीज। डिस्कार्ड मतलब निकालना, जो थियरीज अजम्पशन है उसको निकाल देना, राइट। तो इसमें एग्जाम्पल क्या दिया है, पहले क्या कहा जाता था कि अर्थ इज द सेंटर एंड स्टार एंड प्लैनेट आर मूविंग अराउंड द अर्थ, मतलब पहले अर्थ सेंटर में था और सब अर्थ को घूमते, चक्कर मारते थे, ये थ्योरी गलत है। फिर कोपरनिकस ने क्या बताया कि अर्थ सेंटर में नहीं है, सन सेंटर में। तो धीरे धीरे साइंस प्रोग्रेस करते गया और जो भी अनरियलिस्टिक अजम्पशन था उसको दूर किया। और साइंस का आइडिया क्या, यूनिवर्सल है, पूरी दुनिया में साइंस का लॉ सेम है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके, जो भी लॉ है, जितने भी लॉ है, थ्योरी, लाइट, हीट, सबके रूल्स एंड रेगुलेशन पूरे वर्ल्ड में सेम होते हैं, राइट। साइंस ऑल्सो एज्यूम दैट यूनिवर्स इज ए वास्ट सिंगल सिस्टम, एक हमारा जो ब्रह्मांड है वो एक सिस्टम है जिसमें कुछ रूल्स होते हैं जो सब जगह सेम होता है। नॉलेज गेन फ्रॉम स्टडिंग वन पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इज एप्लीकेबल टू अदर पार्ट, जो दुनिया के कोने में कोई भी नॉलेज इस्तेमाल किया पूरे वर्ल्ड में वो सेम ही रहेगा। तो जो भी साइंस का लॉ है पूरी दुनिया में सेम है, ये नहीं कि इंग्लैंड में अलग, इंडिया में अलग, ओके। और साइंस का जो नॉलेज होता है, साइंटिफिक नॉलेज इज एम्पेरिकल बेस्ड। एम्पेरिकल रेफर्स टू नॉलेज क्लेम बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशन, जो नॉलेज हमको ऑब्जर्व करने से मिलता है उसको एम्पेरिकल बोलते हैं। तो जो भी एक्सपेरिमेंट करके, जैसे क्रिश पिक्चर में दिखाया है, विलन रहता है ना अपना काल, तो कैसे एक्सपेरिमेंट करता है, तो उसको कुछ चीज़ महसूस होती है तब उस पर वो स्टडी करता है, आगे थियरी बनाता है। तो एम्पेरिकल मतलब ऑब्जर्व करके जो नॉलेज मिलता है, राइट। वाइल सम साइंटिफिक आइडियाज आर थियोरिटिकल, थियोरिटिकल मतलब होता है लिखावट, एंड डिराइव फ्रॉम लॉजिक एंड रीजनिंग, लॉजिक के हिसाब से होता है। बट ऑल साइंटिफिक आइडिया मस्ट बी अल्टीमेटली कन्फर्म टू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। जो भी साइंस का डेटा होता है वो उसको ऑब्जर्व किया जाता है और एक्सपेरिमेंट के थ्रू रिसर्च किया जाता है, ओके। तो साइंस का डेटा कहता है एम्पेरिकली, एम्पेरिकली मतलब बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, मतलब उसको देखेंगे, चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, रिसर्च करेंगे, स्टडी करेंगे, फिर उसके ऊपर थीसिस बनाएंगे। और साइंस का नॉलेज क्या होता है, रिलेबल होता है एंड टेंटेटिव, मतलब मैनी साइंटिफिक आइडियाज हैव रिमेन लार्जली अनचेंज, जो इतने साल से साइंटिफिक आइडियाज है, नॉलेज, वो अभी तक चेंज नहीं है। हाउएवर साइंटिफिक नॉलेज कैन चेंज इन लाइट ऑफ न्यू एविडेंस, अगर कोई नया एविडेंस आएगा तो वो पुराना वाला नॉलेज चेंज हो जाएगा, ओके, एंड न्यू वे ऑफ थिंकिंग। बट न्यू साइंटिफिक आइडियाज आर सब्जेक्ट टू स्केप्टिसिज्म, मतलब एक स्केप्ट है, स्केच, इफ दे आर चैलेंज वेल एस्टेब्लिश, मतलब कैसा है, कोई थियरी बना दिया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मतलब जो भी ऊपर की चीज़ वो नीचे गिरती है, क्योंकि अर्थ एक मैग्नेट है जो सबको चीज़ को अट्रैक्ट करता है, ये थ्योरी है। अगर उसको तुमको चैलेंज करने का, तो कुछ इसके सामने तुमको सबूत रखना पड़ेगा कि ये थ्योरी गलत है। तो जितने भी साइंटिफिक नॉलेज है वो अभी भी वेल प्रूफ है, ओके। अगर कुछ न्यू इन्वेंशन आता है तो थ्योरी को करेक्ट कर सकते हैं, करेक्ट किया जाएगा, ओके, वो बताया इसमें।
नेक्स्ट ये ऑब्जर्वेशन, साइंस जो भी होता है किस पर डिपेंड होता है, ऑब्जर्व, ऑब्जर्व मतलब एक्सपेरिमेंट करके देखना, इन्फ्लुएंस मतलब रिजल्ट। ऑब्जर्वेशन आर मेड फ्रॉम इंफॉर्मेशन गैदर्ड विद द फाइव सेंस। ऑब्जर्वेशन कहाँ से आएगा, अपने को डेटा से मिलेगा। फाइव सेंस मतलब हो गया जो हम लोग ऑब्जर्व करते, राइट, अपना कान से सुनते, नाक है ना, स्मेल करते नॉइज से, राइट, महसूस करते, टंग है, स्किन है, राइट, हमारा दिमाग, ये सब क्या है जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं ना, वहाँ से हम लोग उसके ओर बिलीव करते हैं। इन्फ्लुएंस आर लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। लॉजिकल इंटरप्रिटेशन मतलब जो एक्सपेरिमेंट किया है, जिस पर रिसर्च किया है, उसका क्या रिजल्ट आया, उसको रिजल्ट को समझाना। अभी इधर एग्जाम्पल क्या दिया है, फॉर एग्जाम्पल दिया है, वेन वी यूज़ ऑब्जर्वेशन एंड इन्फ्लुएंस वेन वी डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ स्टार, मतलब स्टार कितना लंबा है, राइट, स्टार आर फार अवे दैट ओनली अ रिलेटिवली स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ स्टार डिस्टेंस कैन बी मेजर, मतलब स्टार इतना दूर है कि इसको नॉर्मली मेजर नहीं कर सकते। फॉर द मेजर फ्रैक्शन ऑफ स्टार डिस्टेंस अ कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑब्जर्वेशन, तो उसको ऑब्जर्व करना पड़ता है डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, वो साइंटिफिक टूल के थ्रू ही होता है। तो साइंस को क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, और इन्फ्लुएंस मतलब रिजल्ट, जो भी चीज़ उसको बताया जाता है, लिखा जाता है, लॉजिकली मतलब समझाया जाता है। और साइंस के लिए कैसा लगता है, अभी आप लोग कॉमर्स वर्क स्टूडेंट है ना, तो साइंस एक क्रिएटिविटी थिंकिंग है, क्रिएटिविटी मतलब इसमें बहुत सारा दिमाग इंटेलिजेंस लगता है हाई लेवल का, राइट। अभी जैसे कि नया टेक्नोलॉजी है AI, AI को क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब जो काम इंसान कर रहा था अब वो रोबोट कर रहा है, तो ये साइंस के कारण ही हो रहा है। तो साइंस क्रिएटिव मेथड इस्तेमाल करता है, नया नया चीज़ को ईजाद करता है, मतलब बनाता है। और साइंस में बहुत सारी लॉ से थेरी से बनाई गई है। और साइंटिफिक लॉ इज डिस्क्रिप्शन ऑफ जनरलाइज रिलेशनशिप और पैटर्न होता है किसी चीज़ का, जो बचपन में तुमने बहुत सारे लॉस पढ़े 10th स्टैंडर्ड में 9th स्टैंडर्ड में है ना, थ्योरी ऑफ लाइट हीट पढ़े, राइट। डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड इन द नेचुरल वर्ल्ड एंड आर ऑफन एक्सप्लेन मैथमेटिकल टर्म्स, मतलब जो नेचुरल वर्ल्ड में होता है उसको मैथमेटिकल फॉर्मूले के सबसे डिराइव किया जाता है और समझाया जाता है। तो साइंस की बहुत सारी लॉ और थ्योरी, चार पांच नाम डाल देंगे, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है ना, बॉयल्स लॉ, तो बहुत सारे लॉ दिए, राइट, राइट टाइम थंब रूल, हीट के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, ये थ्योरीज बनाया गया है। अभी क्या करें, बोरिंग आंसर है, पढ़ना तो पड़ेगा। और साइंटिफिक क्या होता है, अपना सिस्टम, अपना मेथड इज फॉलो करता है, राइट। देर इज नो सिंगल साइंटिफिक मेथड यूज बाय ऑल साइंटिस्ट। साइंटिस्ट जो भी साइंटिस्ट लोग हैं अपना अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, मेथड इस्तेमाल करते हैं, रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं, ताकि डेटा कलेक्ट करें थ्रू एक्सपेरिमेंट, थ्रू कोरिलेशन, कोरिलेशन मतलब कंपेयर करना डेटा का थ्रू, ओके। और साइंस एक्सप्लेन एंड प्रेडिक्ट। साइंस क्या करता है, एक्सप्लेन करता है कि क्या हो रही है चीज़, क्यों हो रही है चीज़, इससे क्या हो सकता है, और प्रेडिक्शन कर सकता है फ्यूचर का, राइट। और साइंस ने भी कुछ सवालों का जवाब नहीं दिया है, नहीं क्या सलमान खान बोलता है ना, मेरे सवालों का जवाब दो, तो साइंस ने अभी तक कुछ सवाल का जवाब नहीं दे पाया। जैसे कैंसर का ट्रीटमेंट के लिए जो बीमारी का इलाज है, दवाई ढूंढ रहा है, अभी तक भाई को भी नहीं मिला, गूगल से भी नहीं मिला उसको, तो साइंस अभी भी वर्कआउट कर रहा है, उसके बाद भी हर चीज़ का जवाब नहीं है। तो ये साइंस के बारे में आप इतना सारा तुमको लिखना पड़ेगा, 15 मार्क का आंसर आएगा, ठीक है। और साइंस का किसका इस्तेमाल होता है, साइंस कहाँ काम आता है अपने एवरीडे लाइफ में, तो टेक्नोलॉजी का भी आंसर उठा के डाल देना, ओके। अभी अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो ये भी आंसर तुम लोग ज्वाइन करते, साइंस के कारण क्या क्या चीज़ हमको फ़ायदा आया, और इसका भी पॉइंट डाल देना, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, चैटबॉट, थ्रू सब साइंस के नॉलेज के थ्रू, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के थ्रू, नए नए चीज़ को ऐप से स्टोर बना के काम आसान कर रहे हैं। और फिर बाद में साइंटिस्ट लोग का भी नाम देगा, न्यूटन है, जॉन लॉक है, ओके, न्यूटन कॉपरनिकस है, तो उन्होंने क्या क्या, जॉन कैपलर की थ्योरी, गैलीलियो, तो ये सब साइंस के अंदर डाल देना, साइंटिस्ट फेमस लोग का, ठीक है।